हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीषा और मेरे चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बड़ी कटोरी, दो आलू, दो टमाटर, एक प्याज और चार मिर्ची और चार पांच लहसुन की कलियां ली है। मैंने इसे अच्छे से छील के धो के प्याज और लहसुन और टमाटर को मोटा मोटा काट लेंगे। और मिक्सर में डाल देंगे, एक जार में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। अभी पीस गया है मैंने प्याज और मिर्ची और सॉरी प्याज और आलू को भी मोटा मोटा काट लिया। इधर कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस ऑन कर दिया है। अब कढ़ाई गर्म होने देंगे। मैंने सरसों तेल डाल दिया है, ये 2 चम्मच के करीब सरसों तेल है। आप अपने अनुसार कोई भी तेल ले सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बड़ी को डाल देंगे। ऐसे पलट पलट के सेक लेंगे। अब बड़ी लाल हो गया है दोनों साइड से। अब हम इसे निकाल देंगे। अब इसे बचे हुए तेल में हम जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटक जाएगा तब इसमें हम प्याज और आलू को एक साथ डाल देंगे। मैंने दोनों को मोटा मोटा काट लिया। और छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। थोड़ी देर भी चला देंगे और एक बार। अब इसे छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसे चला देंगे एक बार। टमाटर, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है, इसको डाल देंगे। चला देंगे। ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। 2-3 मिनट बाद चेक कर लेंगे।
पेस्ट को तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी पूरा ख़त्म ना हो जाए। फिर से ढक देंगे, फिर से 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे। फिर से ढकेंगे, 2 मिनट आके फिर साइड से तेल छोड़ने हो गए। अब हम इसमें एक बार चला देंगे और इसमें मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी 1/4 टेबल स्पून, नमक, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून एंड मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। अब इसे ढक देंगे, थोड़ी बार देर बाद फिर से देख लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसमें बड़ी को डाल देंगे। मैंने बड़ी को पानी में भिगा के रखा था ताकि जल्दी से पक जाए बड़ी, और मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। इसे मिला देंगे और इसे चला देंगे ताकि मसाला और बड़ी दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे। मसाला और आलू बड़ी दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। थोड़ी देर और ढक के पका देंगे, फिर 2 मिनट बाद पानी और धनिया पत्ती डाल देंगे। हमारे घर में धनिया पत्ती नहीं पसंद करते, तो मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती को पका रही हूँ। ये 1/2 गिलास और पानी ऐड कर दिया है मैंने अभी। और पानी डाल दिया मैंने थोड़ी, मैंने 1 गिलास बड़ा गिलास पानी डाला है। बड़ी को पकने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब इसे छोड़ देंगे ढक के, थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे। ऊपर चला देंगे, बड़ी हल्का हल्का से पक गया है। अभी ढक्कन लगा के फिर से छोड़ देंगे। फिर से चेक कर लेंगे, अब बड़ी पक गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और ढक्कन लगा दें।